हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। दोस्तों, मेरे को करीब करीब एक महीने से ज़्यादा हो गया है शुगर ना कंज्यूम करे हुए, मतलब शुगर छोड़े मेरे को एक महीने से ज़्यादा हो गया है। अब आप सोचेंगे कि मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको ये चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि शुगर छोड़ने के बहुत सारे ऐसे लाइफ सेविंग बेनिफिट्स हैं, या कह लीजिए बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि आपकी हेल्थ को इम्प्रूव कर देती है, आपकी मतलब टोटल ओवरऑल हेल्थ पे इफ़ेक्ट डालती है। अगर आप इन शुगर को छोड़ते हो तो आपकी बॉडी में ऐसे बहुत सारे चेंजेस होते हैं जो कि मतलब आप कह लीजिए कि आपकी लाइफ बदल देंगे। अगर आप शुगर कंज्यूम करते हैं तो आपको काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लम हो रही होंगी जो कि आपको पता भी नहीं होगा। तो मैंने एक महीने से ऊपर हो गया, एक महीना क्या आप कह लीजिए, डेढ़ या दो महीने हो गए हैं अभी मैंने शुगर छोड़ी हुई है। उसके अलावा मैं क्या खा रहा हूँ वो भी आपको बताऊँगा, क्योंकि शुगर छोड़ते हैं तो क्रेविंग बहुत ज़्यादा होती है। और सबसे बड़ी बात ये है, मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, क्या क्या मुझे बेनिफिट देखने को मिले, और मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में शेयर करूँगा। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं मेरा ट्रू एक्सपीरियंस। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि शुगर को छोड़ना कोई आसान काम तो है नहीं। अब ऐसा नहीं है कि मैंने एकदम से छोड़ दिया, मैं पहले भी बहुत ज़्यादा खाता था। मेरी कोई एज ऐसी ज़्यादा नहीं है कि मैं बहुत बुढ़ा हूँ, लेकिन हाँ जस्ट ऐसे ही थोड़ा बहुत अभी जैसे स्टडी वडी करते रहते हो तो उस हिसाब से धीमे धीमे हेल्थ कॉन्शियस सभी लोग होते ही हैं। तो मैं भी वैसे ही हुआ, धीरे धीरे मैं स्टडी वडी करी, थोड़ा बहुत पढ़ा अड़ा, तो भाई इससे पता चला कि भाई मैं एक टाइम भी अगर चीनी खा रहा हूँ ना तो मुझे उससे बहुत सारे ऐसे कह लीजिए साइड इफ़ेक्ट मिल रहे हैं जो कि आगे डाउन द रोड मेरे को बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ, बहुत सारी ऐसी डेंजरस हेल्थ इश्यूज हो सकते थे। अब ऐसा नहीं है कि अभी होते, तीन साल चार साल बाद, ऐसा भी नहीं, पाँच साल छः साल बाद। अब ये भी होगा कि आगे किसने देखा, लेकिन अपनी तरफ से प्रिकॉशन लेने में क्या बुराई है, नहीं? तो यही चीज़ मैंने पढ़ के सोचा कि, और मैं सोचा कि अब इसको अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ और फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। तो वो चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई करी, करीब करीब एक या डेढ़ महीना हो गया। अब ऑलमोस्ट मेरी आदत छूट सी गई है। ऐसा नहीं है कि मैं शुगर लेना ही चाहता हूँ, लिए बिना नहीं रह सकता, अब ऐसा नहीं है। अब उसका मैंने रिप्लेसमेंट भी ढूंढ लिया है, काफ़ी अब बेटर फील कर रहा हूँ मैं शुगर छोड़ के भी। तो क्या क्या चीज़ें हैं जो मैंने फेस करी वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड, जो सबसे पहला बेनिफिट मैंने जो देखा उसका, वो ये था कि मैंने कह लीजिए ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ बॉडी में से वाटर लूज़ करा। वो कैसे कि मेरी बॉडी जो थी वो कह सकते हैं आप कि बहुत ज़्यादा ब्लोटेड रहती थी। अब ऐसा नहीं था कि पूरे दिन मैंने, जैसे आपको बताया कि मैं पूरे दिन भर चीनी खाता हूँ, ये है वो, मतलब हर खाने के साथ या कुछ ऐसा मीठा चाहिए, ऐसी आदत नहीं थी मेरी। मैं ऐसा था कि मैं जैसे मान लीजिए मॉर्निंग में ओट्स खाता हूँ तो उसमें मैं कंज्यूम करता, तो उसमें ही मैंने हटा दिया, एक और रिप्लेसमेंट हो गई। और कई का वीक में दो बार या तीन बार मैं चाय कंज्यूम करता था तो उसमें शुगर होती थी, उसको ही मैंने कट कर दिया। तो अब शुगर की जगह मैंने क्या डालना शुरू कर दिया था, जैगरी पाउडर। जैगरी पाउडर भी, या वो भी कभी कभार नहीं डालता। तो उससे मेरे को क्या डिफरेंस दिखा कि मैंने अपनी बॉडी में से काफ़ी ज़्यादा जो वाटर बॉडी में होल्ड था वो मैंने हटा दिया बॉडी में से, वो डिटॉक्स हो गया, कहीं जब बॉडी में से हट गया वाटर। तो सबसे पहला जो मैंने इसका बेनिफिट देखा वो था मेरी बॉडी में से ब्लोटिंग हट गई, और मेरा जो फेस भी है आप देख सकते हैं, पहले मैं आपकी पहले वाली मैं आपको एक इमेज साइड में डालूंगा, वो आप देखिएगा, और अभी वाला आप देखिए। वैसे मैंने दिन भर से खाना खाया तो उसकी वजह से थोड़ा बहुत फूला हुआ होगा, लेकिन फिर भी पहले से बहुत बेटर है। पहले खाना खाने के बाद तो और ज़्यादा ब्लोटेड हो रहा था, अभी तो फिर भी बहुत कम है। अगला पॉइंट आता है फ्रेंड्स कि मेरी बॉडी में जो कह लीजिए खाना जो था, न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा हो गई। अब ये मुझे कैसे पता चला, ये मैंने पहले स्टडी करी थी और मैंने फिर इसको साथ साथ में अप्लाई करा, थोड़ा बहुत जो मैं ऑब्जर्व कर सकता था वो करा। अब ऑब्ज़र्व मैंने कैसे करा कि अब मैंने जो भी जैसे खाना पीना खाता था, मेरी डाइट ऑलमोस्ट वही थी जो मैं डाइट ले रहा था, अब उसमें मैंने केवल शुगर हटा दिया। तो अब वहाँ से क्या हो रहा है कि मेरे जो मैं खाना खा रहा हूँ, जो मैं डाइट कंज्यूम कर रहा हूँ, वो मेरी बॉडी में अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो रही है, उसके मेरे को विजिबल रिजल्ट्स दिख रहे हैं। मेरी स्किन की क्वालिटी इंप्रूव हो गई, जो मेरी स्किन की क्वालिटी है वो इंप्रूव हो गई, मेरी बॉडी में वेंस शो होने लग गई जैसे आप देख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों ये सारी चीज़ें मेरे को शो देखने को मिली जब मैंने इसको खटाया शुगर को अपनी डाइट में से। अब आप सोच सकते हैं कि जब मेरी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो गई, मेरा जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे तरीके से लगेगा मेरी बॉडी में, तब वहीं से आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलेंगे कि आपको रिजल्ट्स होंगे तो वहाँ से आप मोटिवेट होंगे, तब आपका आगे और करने का मन करेगा, आप और अच्छे से वर्कआउट करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे और स्ट्रिक्टली डाइट फॉलो करेंगे। तो एक इस चीज़ की वजह से आपको रिजल्ट्स मिलना शायद रुक सकते हैं अगर आपने अपनी डाइट में शुगर ऐड करा है, तो प्लीज़ आप अपनी डाइट में से शुगर हटा दीजिए, तब वहाँ से आपकी खुद बॉडी खुद ब खुद अपने आप को एनर्जेटिक बना लेगी। अब ऐसा नहीं है कि कोई जादू हो गया, चमत्कार होगा, आपको स्लोली स्लोली ये चीज़ आपको मतलब आपको ये डिफरेंस देखने को मिलेगा। वन वीक आपको बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील होगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक हफ्ते में आपको बहुत ज़्यादा लथार्जिक फील होगा, फिर उसके नेक्स्ट वीक
आप थोड़ा सा थका हुआ महसूस करेंगे, बहुत ज़्यादा आपको क्रेविंग वगैरह बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन उस टाइम आपको ध्यान रखना है, उस टाइम आपने कुछ ऐसा नहीं खाना है, ठीक है, कुछ ऐसा आपने नहीं खाना है। बीच में अगर आपका मन ज़्यादा हो कुछ खाने पीने का, तो उस टाइम क्या करना है कि उस टाइम आप शुगर खा लीजिए, सॉरी आप थोड़ा सा कुछ गुड़ खा लीजिए, गुड़ का टुकड़ा खा सकते हैं जब आपको क्रेविंग हो, उस टाइम खा लीजिए, वो बेस्ट रहेगा, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। मुझे भी जब होती थी तो मैं यही खा रहा था। और अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो या कुछ ऐसा खाने की बाहर का या कुछ, तो प्लीज़ उसको आपको खुद कंट्रोल करना होगा, आपको अपने आपको अपना माइंड इस हिसाब से सेट करना होगा कि मैं इसको छोड़ूंगा तो मुझे ये बेनिफिट मिलेंगे, मतलब आपको अपने खुद को पुश करना होगा तभी आप इस चीज़ को कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ ऐसे बदलाव थे जो कि मेरे को इसको छोड़ने के बाद देखने को मिले, मतलब कह लीजिए काफ़ी अच्छे चेंजेस हैं। आप भी ट्राई करिए, मैं तो सजेस्ट करता हूँ आपको, आप भी ट्राई करिए, आप भी शुगर छोड़िए, अपने आप को मोटिवेट करिए, शुगर छोड़िए, अपने आप को फिट रखिए। और भी कई सा कोई भी ऐसा आप अगर करते हो नशा या कुछ भी, अगर आप ये चीज़ के एडिक्टेड हों तो उसको छोड़ने की कोशिश करिए, बुरी चीज़ के अगर आपको लत लगी है तो उसको छोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप उसको छोड़ेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स देखने को मिलेंगे, चाहे वो कोई भी चीज़ हो। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरी वीडियो को देखने के लिए, मुझे उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियोज़ लाता रहूँ। थैंक यू।